गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिजिकल एजुकेशन के पहले चैप्टर प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। ओके, जैसा कि इस चैप्टर का नाम है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए प्लानिंग की जरूरत क्यों है, ठीक है ना। जैसा कि जानते हैं कि स्पोर्ट्स एक हमारे जिंदगी का एक अहम पार्ट है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ओवरऑल डेवलपमेंट। अगर हम किसी बच्चे का या किसी भी इंसान को ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसका स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन लंबे समय तक हमारे समाज में स्पोर्ट्स को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। जैसा कि आपने कहावतें सुनी होंगी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन समय के साथ साथ चीजें बदली और आज के समय में स्पोर्ट्स को एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, ठीक है ना। और अब यही कहावत आज आपकी फील्ड में चारों तरफ देखो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पोर्ट्स के थ्रू अपने नेम एंड फेम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है ना, पैसा भी कमा रहे हैं और अपनी प्रसिद्धि भी पा रहे, फेमस भी हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीजों ने धारणा को बदला है और अब जो कहावत है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे लाजवाब, ठीक है। तो कहीं ना कहीं चीजें बदल गई हैं। लेकिन सवाल ये है कि स्पोर्ट्स खेलने में, जैसे हम स्पोर्ट्स खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं, अमोन घर के बाहर खेलते हैं, स्कूल कॉलेज में जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उसमें प्लानिंग बहुत जरूरी होती है। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम जिंदगी में कोई भी गोल अचीव करना है, वॉट एवर यू हैव फिक्स गोल, जो अपनी जिंदगी में आपने जो भी गोल फिक्स किया है अगर आपको उसको अटेंड करना है, उसको पाना है, तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। ठीक उसी तरह से स्पोर्ट्स में अगर आपको अपनी कैरियर बनाना है या आपको अपने ओवरऑल डेवलपमेंट करना या एज ए कमेटी एज ए टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर आपको टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना है तो प्लानिंग होनी चाहिए। इसी चीज को ध्यान रखते हुए कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज गए हैं जिन्होंने कुछ उसमें डेफिनेशन दिए जो विशेषज्ञ रहे हैं, जिसमें पहला नाम आता है मिकेल का। माइकिल ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्लानिंग इज यूजुअली इंटरप्रेटेड एज ए प्रोसेस टू डेवलप स्ट्रेटेजी। यानी कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक स्ट्रेटजी बनाना है किसी को डेवलप करने के लिए। क्या डेवलप करने के लिए, अपने गोल को डेवलप करने के लिए, गोल को पाने के लिए एक स्ट्रेटजी को बनाना टू अचीव डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। हमें क्या पाना है ना, अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप कोई गेम खेलते हैं तो कोई ना कोई तो आपका गोल होता होगा, इंटरटेनमेंट हो सकता है या अपना कैरियर ओरिएंटेड आपने जॉब को लिया है, स्पोर्ट्स को लिया है, जो भी लिया है, तो उसको पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटजी डेवलप करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू फैसिलिटेट एक्शन। जिससे क्या होगा कि उस रास्ते में अगर आपके पास प्लानिंग होगी गेम के अपने स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग अपने स्पोर्ट्स के लिए, तो आप उस रास्ते में आने वाली जो भी अड़चने होंगी, जो भी व्यवधान होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, उसको आप इजिली सॉर्ट आउट कर पाएंगे। और उससे क्या होगा, टू फैसिलिटेट एक्शन, आपकी जो एक्शन होगा यानी कि जो आप काम कर रहे हो वो अच्छे से स्मूथली कर पाएंगे। दूसरा, अकॉर्डिंग टू एलन, एलन ने क्या कहा, ए प्लान इज ए ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। गोल क्या है, प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक जाल की तरह है जिसको हम अपने फ्यूचर को ट्रैक करने के लिए, हमें अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना है तो फ्यूचर को पकड़ना है, अपने फ्यूचर को अपने हिसाब से चलाना है, तो हमें अपने प्लानिंग को जो है अपनी स्ट्रेटजी प्लानिंग की करनी ही पड़ेगी, तो जाके हम जो भी फ्यूचर में अपना अचीव करना चाहते हैं वो उसको हम पा सकेंगे। इसलिए कंक्लूजन ये है कि अगर हम, जैसे कि मैंने कहा कि अगर ओवरऑल डेवलपमेंट, किसी बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट तभी हो पाया है जब वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शामिल होता है, चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे इंडोर का मतलब पबजी से या बैठ के लूडो खेलने से नहीं है, इंडोर गेम्स चेस हो गया आपका, बिलियर्ड्स हो गए, ठीक ना, टेबल टेनिस हो गए, ये इंडोर गेम्स हुए हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटी और मेंटली एक्टिविटी की जरूरत है। आउटडोर में बहुत सारे गेम्स हैं, फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी, बहुत सारे हैं, यानी कि आपको इन गेम में पार्टिसिपेट होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। और इसी को ध्यान रखते हुए सारे स्कूल आप देखोगे उसमें स्पोर्ट टीचर की, आज से अगर हम 30 साल 40 साल पहले या 20 साल पहले के एजुकेशन सिस्टम को देखें तो एजुकेशन सिस्टम में स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन आज के स्कूल में आप देखोगे तो हर स्कूल में कम से कम स्पोर्ट टीचर्स रखे जाते हैं, योगा टीचर्स रखे जाते हैं, ठीक है, डांस टीचर रखे जाते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी को भी हम आगे लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हमने माना कि एक इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब वो इन सारी चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे। एकेडमिक एजुकेशन के अलावा भी इन सारी चीजों का बहुत बड़ी जरूरत है आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि जो हम प्लानिंग करेंगे, ठीक है ना, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लान। हम जो प्लान बनाएंगे
अपने गोल को अचीव करने के लिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम प्लानिंग करेंगे? अगर प्लानिंग करेंगे उसके तो कोई ना कोई रिजोल्यूशन होनी चाहिए, कोई ना कोई एम होना चाहिए। तो प्लानिंग का क्या पहला, अगर हम प्लानिंग करके कोई भी काम करें तो उससे क्या फायदा होता है, टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी। इमीडिएसी का मतलब कि अगर आप बिना प्लान का कोई भी काम करेंगे, खासकर स्पोर्ट्स हो या कोई भी काम, तो कई सारी चीजें ऐसी होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, आपको पता नहीं होती कि चीजें आ सकती है, ठीक है ना, लेकिन वो आ जाती है। तो उससे क्या होगा, अगर आप ऑलरेडी पहले से प्लान करके रहेंगे तो आपको अपने गोल को अचीव करने में फैसिलिटी होगी, आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट का टूर्नामेंट करा रहे हैं, ठीक है ना, दो टीमों का मैच करा रहे हैं, आपने ये बनाया हुआ नियम कि जो भी टीम जीतेगी दो दो पॉइंट देंगे और अगर ड्रॉ हो गया तो एक एक पॉइंट देंगे। लेकिन बाय द वे मैच ना हो, ठीक है ना, मैच ना हो, बारिश हो जाए, कुछ और हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या प्रोसेस किया हुआ, आप उसमें कैसे नंबर देंगे, किस टीम को आगे लेकर जाएंगे, इसके लिए आप पूरी प्लानिंग, क्योंकि ये मीडिया से ऐसा नहीं है बारिश बताकर आएगा, या कई सारी चीजें हो सकती हैं, वेदर खराब हो जाए या ऑफिशियल से कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो कहीं ना कहीं आपको फोरसाइटेड होना पड़ेगा, फ्यूचर में देखकर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आप प्लानिंग करके कोई भी काम करेंगे तो उसमें आपके उस जो भी आप ऑब्जेक्टिव पाना चाहते हैं, जो भी आप प्लानिंग करें जिस क्षेत्र में करना चाहते हैं, उसमें जो इमीडिएसी जो अचानक प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए भी आप प्लानिंग पहले से करते हैं तो वो आपको शॉर्ट आउट हो जाता है, रिड्यूस करता है, कम कर होता है। अगला जो है टू मेंटेन ए गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज। अब एक्टिविटीज क्या है, एक स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करा रहे हैं या कोई भी अपना आपने बोला फॉर एजुकेशन के लिए, आपने मुझे आईएएस बनना है, आईएएस बनने के लिए आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, मुझे कहाँ से कोचिंग लेनी है, कहाँ से नोट्स लेने हैं, इसके लिए आप प्लानिंग करोगे, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि बस आपने बस पढ़े जा रहे हैं और आपका जो है चीजें अचीव हो जाएगी, आपको बहुत सारी चीजें लेनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो भी एक्टिविटी, खासकर हम यहाँ स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में जब आप ऑर्गेनाइज करेंगे कोई भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, खिलाड़ियों को रहने की इंतजाम करना पड़ता है, उनके लॉजिंग फूडिंग, ठीक है, इसके बाद मेडिकल फैसिलिटी करना पड़ता है, ठीक है ना, उनके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, मैच के पहले, मैच के समय, मैच के बाद जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो बहुत सारी ऐसी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो अगर हम इन सारी चीजों को पहले से प्लान करके ऑर्गेनाइज करेंगे तो जो भी एक्टिविटीज होगी वो स्मूथली रन करेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। थर्ड, टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसके बीच यहाँ बात करी है, ऑल द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जिसमें कई सारे ब्रांचेज होंगे, जिसमें फूडिंग के लिए अलग होगा, लॉजिंग के लिए अलग होगा, ग्राउंड के लिए अलग, रूल रेगुलेशन के लिए अलग होगा, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के लिए अलग कमेटी बनती है। तो जो भी कमेटीज बनेंगी उनके बीच एक कोऑर्डिनेशन रहेगा, सब अपने काम की जिम्मेदारी दी गई रहेगी और सब अपने काम को अच्छे से कर पाएंगे, उनका एक कोऑर्डिनेशन बन पाएगा, हम उसको प्लानिंग पहले से करके रखेंगे कि किसकी क्या जिम्मेदारी है और किसी के अगर आप फूडिंग या लॉजिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो किससे वो कॉन्टेक्ट करेंगे और वो कैसे सॉल्व होगा। तो ये एक बहुत बड़ी इसका ऑब्जेक्टिव होता है प्लानिंग का। नेक्स्ट है टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर बिना प्लानिंग का हम कोई काम करेंगे तो मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर वही काम हम प्लानिंग के साथ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं मिस्टेक्स नहीं होंगे, मिस्टेक्स के चांसेस कम हो जाते हैं। कोई भी आप काम करें, कितनी भी प्लानिंग कर रहे हैं, मिस्टेक्स हो सकते हैं, ठीक है ना। आप ये कोई फुल प्रूफ 100% ऐसा प्लानिंग नहीं हो सकता है जहां पे आप कहोगे कोई गलती ना हो, तो गलतियां होने के चांसेस हमेशा होते हैं, लेकिन फर्क ये है कि अगर प्लानिंग के साथ आप करेंगे कोई भी काम करेंगे, कोई भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करेंगे, कुछ भी स्पोर्ट्स खेलेंगे, तो उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है ना। टू इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसका, खिलाड़ियों का। फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल्स में या बहुत जगहों पर आपने देखा होगा कि जो खिलाड़ियों का चयन होता है, खिलाड़ियों से फॉर एग्जाम्पल पता चला कि कोई इंटर स्कूल टूर्नामेंट चल रहा है, स्कूल्स क्या करते हैं, अचानक उनके पास लेटर आता है स्कूल टूर्नामेंट होने वाला है, तो आप अपना जल्दी जल्दी दो दिन के अंदर अपने एक बच्चों को सिलेक्ट करते हो कि ये बच्चे खेलने जाएंगे और उनको थोड़ी बेस्ट ट्रेनिंग देकर आप उनको भेज देते हैं। इससे क्या हो गया, ना आपने कोई प्लानिंग की, ना उनको ट्रेनिंग दिया आपने, ठीक है ना, वो बच्चे मेंटली प्रिपेयर हो पाए तो उनके परफॉर्मेंस बढ़ने से अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर प्लानिंग के साथ आपको पहले से पता है, आप पहले से अपने स्पोर्ट टीचर ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको प्लानिंग कर रहे हैं, तो बढ़ने चले तो बच्चों की परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज होगी जो खिलाड़ी होंगे। साथ ही साथ अगर आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है तो आपके भी एफिशियंसी, आपको भी काम करने की, आपके भी जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उसमें भी एफिशियंसी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, टू इनहेंस क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है कि जब एक खिलाड़ी को ज्यादा समय मिलेगा ट्रेनिंग के लिए, एक कोच को ज्यादा समय मिलेगा तो ज्यादा क्रिएटिव होगा,
कई सारे प्लान बना सकता है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। आपने देखा होगा कि टूर्नामेंट में जब आप गेम खेलने जाते हो तो एक एक टीम के पास, एक कैप्टन के पास कई सारे प्लान होते हैं कि अगर ये प्लान काम नहीं किया तो आप प्लान बी करेंगे। कोई भी टीम एक प्लान के साथ नहीं जाती है, ठीक ना। तो फॉर एग्जाम्पल आपने, फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट में आपने कहा कि मेरे ये जो प्लेयर जो है ओपनिंग करने जाएंगे, है ना, इसके बाद फर्स्ट राउंड भी ये जाएगा, सेकंड राउंड भी ये जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि आपने देखा कि पहले ही बॉल पे जो है विकेट गिर गए, ठीक ना, दूसरी बॉल पे एक और भीड़ गया। ऐसा में क्या होता है, आपको शिफ्ट करना होता है, प्लानिंग चेंज करनी होती है, नहीं मुझे इस खिलाड़ी को भेजना ताकि वहां पर जाकर विकेट को बचा सके, है ना। तो ऐसे कई सारे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होते हैं गेम के दौरान, इसलिए एक टीम को, एक कैप्टन को, एक कोच को कई सारे प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ये क्या हुआ, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप कई सारे प्लान बना पाएंगे ताकि आप जो प्लान ए काम नहीं कर रहा ऑन द फील्ड तो प्लान बी को आप इम्प्लीमेंट कर सकें। तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को बढ़ाता है अगर आपके पास प्लानिंग है तो, ठीक है। और लास्ट है आपका टू एनहेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। इससे क्या होगा कि जब आपके पास कोच के पास समय मिल रहा है, प्लेयर के पास समय मिल रहा है, वो प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक ना, तो बट नेचुरली उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको हम पाने के लिए प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग के ये फायदे होते हैं कि जो आपने सरल ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ डिस्कस किया, ये प्लानिंग चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में हो या स्पोर्ट्स में, हम यहाँ केवल स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो लेकिन ये लागू हर जगह पर होता है। जिंदगी में भी कहीं भी कोई भी आप स्कूल खोलना चाहते हैं, कोई भी आप परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हैं, तो प्लानिंग इज मस्ट, ठीक है ना। और ये सारी चीजें उसके ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें उनसे मिलती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है, ठीक है ना, कौन कौन सा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में कौन कौन से पोस्ट होते हैं, कौन एक एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो स्कूल लेवल का हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, जोनल लेवल का हो, स्टेट लेवल का, या फिर नेशनल लेवल का, या फिर इंटरनेशनल लेवल का हो, किसी भी तरह का कोई टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराना, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराना, तो कितनी सारी कमेटियां बनती है, क्या सारे एक ही आदमी सारे काम करता है या सबको अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, और वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।